What is research? Research is solving the problems जिनका solution इस world में कोई नहीं जानता. It's a journey from unknown to known. हम कह सकते हैं कि ये problem से लेकर solution तक का सफर है. Today I will talk about a very basic and very important step towards research and methodology, and that is what is research. So before moving towards the detail of the lecture, don't forget to subscribe the channel and to press the bell icon and like and share my videos if you are getting from them. Now let's have a look on the definition of research. हम रिसर्च को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दैट रिसर्च इज अ प्रोसेस इन विच रिसर्चर इंडल्ज इन अ प्रोसेस टू लर्न समथिंग सिस्टमैटिकली एंड विच इवेंचुअली इंक्रीजिंग द नॉलेज. अब ये डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है एंड रिसर्च की सारी मिथ यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनमें छुपी हुई है. द फर्स्ट वन इज द सिस्टमैटिक लर्निंग एंड द सेकेंड पॉइंट इज द इंक्रीज इन द नॉलेज. When we talk about the systematic learning, तो research में researcher always try to adopt the methods and guidelines and tools and techniques which have already been developed or senior researchers उनको use करते आ रहे हैं and they always follow the processes जिनकी वजह से हमारे पास जो results obtain होंगे that was authentic, चैलेंजेबल एंड वैल्यूएबल. इसका मतलब ये है कि रिसर्च को परसू करने के लिए रिसर्चर ऑलवेज उन मेथडोलॉजीज, उन प्रोसेसेस और उन टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है जो पहले से इस्तेमाल शुदा है. मीन्स उस स्पेसिफिक तरह की रिसर्च को परसू करने के लिए जो मेथडोलॉजीज, जो प्रोसीजर्स, जो टूल्स एंड टेक्निक्स पहले यूज़ की गई वो उन्हीं तरह की टूल्स एंड टेक्निक्स को अडॉप्ट करेगा. मेथडोलॉजीज में चेंज जो है उसको लाया जा सकता है बट दैट चेंज शुड बी ऑथेंटिक. उसके आपके पास सारे के सारे प्रूफ होने चाहिए उसकी ऑथेंटिसिटी के. इसी तरह से जो आप लोगों ने फॉर एग्जांपल जो डाटा कलेक्ट करने का प्रोसीजर है दैट शुड बी द प्रोसीजर विच ऑलरेडी हैव बीन रिपोर्टेड इन द लिटरेचर, और जो आपने लेबोरेटरी टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं दैट शुड बी ऑथेंटिक, ताकि उसके नतीजे में जो रिजल्ट ऑब्टेन हों वो रिलायबल हों, वो ऑथेंटिक हों, वो चैलेंजेबल हों और साइंटिफिक कम्युनिटी में उनको एक्सेप्ट किया जा सके. तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्चिंग ऑनलाइन इज नॉट अ रिसर्च. मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी नॉलेज को आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सर्च करके इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाकर ये दावा नहीं कर सकते, ये क्लेम नहीं कर सकते दैट दिस इज अ रिसर्च. दैट इज अ सर्च ओनली, दैट इज नॉट अ रिसर्च. व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसर्च, रिसर्च इज टू एड्रेस समथिंग अननोन. एक ऐसी चीज को एड्रेस करना है जिसको पहले एड्रेस नहीं किया गया. एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है जिसका पहले आंसर किसी को नहीं पता. नोबडी नो द आंसर जिसको आप एड्रेस करने जा रहे हैं थ्रू योर रिसर्च. एंड द सेकेंड पॉइंट इन दिस डेफिनेशन इज टू इंक्रीज द नॉलेज. मीन्स जो रिजल्ट, जो डाटा आपने कलेक्ट किया और उससे जो आपने फाइनल रिजल्ट कंक्लूड किए आफ्टर डूइंग द एनालिसिस, वो रिजल्ट्स जो होंगे उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में साइंटिफिक कम्युनिटी का नॉलेज इंक्रीज कर रहे हैं, आपका नॉलेज इंक्रीज कर रहे हैं. यू आर एडिंग योर ओन पार्ट टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम बाय डूइंग योर रिसर्च. अब रिसर्च में नोवेलिटी या नए नॉलेज का या इन्वेंशन ऑफ न्यू नॉलेज का जो आपका पार्ट है, ज़रूरी नहीं कि दैट शुड बी अ वेरी मेजर एंड दैट शुड बी इन बल्क. वो माइनर भी हो सकता है बट दैट शुड बी अ न्यू और दैट शुड बी अ अननोन बिफोर योर रिसर्च. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक एरिया है, स्पेसिफिक एरिया है और उस एरिया में आपने ये फाइंड आउट करना है कि उस एरिया में पाए जाने वाले जो लोग हैं उनको किस किस्म की फूड जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं. तो डेफिनेटली
डेफिनेटली यू विल गो टू द रेस्टोरेंट्स, यहाँ से लोग फूड जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, यू विल गो टू द प्लेसेस जो कि फूड प्रोवाइड कर रही हैं, एंड यू विल गो टू द कम्युनिटी, और एक क्वेश्चन एयर आप फिल करवाओगे और अल्टीमेटली आप एक कंक्लूड करोगे कि इस स्पेसिफिक एरिया में इस टेस्ट को ज़्यादा लाइक किया जाता है। ये एक ऐसा नॉलेज था जिसको ऑलरेडी किसी ने इन्वेंट नहीं किया था, सो आपने अपना पार्ट इसमें पुट किया, इवन दो इट वॉज अ लिटल बिट, लेकिन क्योंकि ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन थी जो आपने अपनी सोसाइटी को दी, तो हम कह सकते हैं दैट इट इज अ रिसर्च। इसी तरह अगर हम लेबोरेटरी सिंथेसिस की बात करें, तो फॉर एग्जांपल एज आई एम अ केमिस्ट और आई एम वर्किंग ऑन अ ग्रीन सॉल्वेंट्स, तो आयनिक लिक्विड्स जो हैं जो कि पहले जो थे माइक्रोवेव सिस्टम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ हाई पावर एंड प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ लो टेम्परेचर तैयार हो रहे थे इन 40 or 45 minutes, तो अगर हम इनको रूम टेम्परेचर पे तैयार करते हैं तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 14 to 15 days। एंड व्हेन वी आर लुकिंग एट द मेथोडोलॉजीज कि हम इसको किस तरह से कैसे प्रोसेस से सिंथेसिस करें जो कि वेरी नियर टू द माइक्रोवेव सिंथेसिस हो, तो वी इन्वेंट अ न्यू मेथड दैट वाज बाय यूजिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स ने भी उसी आयनिक लिक्विड को जो रूम टेम्परेचर पे 14 टू 15 डेज में सिंथेसाइज हो रहा था 40 टू 50 मिनट्स में सिंथेसाइज कर दिया। सो वी इन्वेंट अ न्यू मेथड टू सिंथेसाइज द आयनिक लिक्विड्स जो कि पहले बहुत देर में सिंथेसाइज हो रहे थे। सो इसी तरह से छोटा छोटा पार्ट आप जब किसी भी प्रॉब्लम को लेके उसको सॉल्व करने के लिए ऐड करोगे तो दैट कम्स इन रिसर्च। इसी तरह जब हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो बहुत सारी हमें ऐसे गैजेट्स और ऐसी एक्सेसरीज नज़र आती हैं जो आज से 50 साल पहले या 10 साल पहले उनका वजूद नहीं था, जिस तरह मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, देयर आर डिजिटल कैमराज, देयर आर अ सोशल नेटवर्क, एंड इसके अलावा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोकेशन सिस्टम है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि न्यू इन्वेंशंस हैं। तो डेफिनेटली किसी ने इनके ऊपर क्रिटिकली सोचा, इनमें चेंज लाने का सोचा, इनमें मजीद सोचा कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में हम किस तरह से नया इन्वेंशन लेके आ सकते हैं, इसको मजीद किस तरह से हम जो है लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला बन सकते हैं। तो दिस इज ऑल कम्स अंडर रिसर्च। तो इस सारे बैकग्राउंड नॉलेज को लेके हम रिसर्च को इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं दैट रिसर्च इज टू थिंक क्रिटिकली, किसी भी प्रॉब्लम को लेके या किसी भी इन्वेंशन को लेके उसमें चेंज लाने का सोचना या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचना इज द क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज यू हैव टू डेवलप योर रिसर्च क्वेश्चन, आपको अपना जो टारगेटेड प्रॉब्लम है वो क्लियर होना चाहिए, आप कौन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम का आंसर करने जा रहे हैं ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और फिर आप उसकी एप्लीकेशन उसके ऊपर रिसर्च करने से पहले अपने रिसर्च क्वेश्चन के लिए कौन से सिस्टमैटिक टेक्निक्स, कौन से टूल्स, कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज़ करेंगे उनके बारे में आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो बिफोर गोइंग टू वर्ड योर प्रैक्टिकल रिसर्च इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 10 to 15 days स्पेंड करें अपॉन योर रिसर्च क्वेश्चन, ताकि आप अपने रिसर्च क्वेश्चन के बारे में बहुत क्लियर हो और उसमें यूज होने वाले सारे प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बहुत क्लियर हो। आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट इज दैट यू गो टू योर रिसर्च और आप सिस्टमैटिक प्रोसेस जो है उसको अडॉप्ट करें टू फाइंड द आंसर ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चन, एंड एट द एंड यू कंक्लूड योर आंसर्स एंड गिव द नॉलेज, न्यू नॉलेज टू द सोसाइटी विच अल्टीमेटली इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द सोसाइटी रिगार्डिंग दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो इसका मतलब यह है कि रिसर्च का मतलब न्यू नॉलेज को इन्वेंट करना है जिसको पहले कोई नहीं जानता। रिसर्च इज नॉट अ लर्निंग, रिसर्च इज टू इन्वेंट अ न्यू नॉलेज। So I'm going to conclude today's video on this note that research question is a question जिसका answer आपको कहीं से नहीं मिल सकता। You can't find the answer from the research papers, from the newspaper, from the online platforms. Even आपका जो research supervisor है, he or she also don't know the answer of your research question. You have to do the research. You have to spend the time on your research question to find the answer.
और तभी आपको उसका आंसर मिलेगा, दैट इज अ प्रॉब्लम विच इज अनसॉल्वड येट एंड यू आर द पर्सन विच इज गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. इन द अपकमिंग वीडियोज वी आर गोइंग टू लर्न मच मोर अबाउट द रिसर्च. यू विल लर्न अबाउट हाउ यू कैन बी अ गुड रिसर्चर, वट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट एंड बिटवीन द रिसर्चर, एंड हाउ यू कैन टर्न योर सेल्फ इन टू अ रिसर्चर मोड from a student mode, and what are the benefits of research and much more. So till then, stay happy, keep learning, and don't forget to subscribe my channel. और comment section में comment करते रहें उन तमाम topics के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं.